देश के गांव में ग्राम पंचायतें पहले ही विकास कार्यों में पिछड़ी हुई हैं। शासकीय कार्य तय समय में पूरे नहीं हो पाते। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार भी समय समय पर उजागर होते रहते हैं। वहीं ऐसे समय में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत बनखेड़ी अंतर्गत आने वाली 53 ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों ने आज सामूहिक रूप से त्याग पत्र देकर काम बंद कर दिया। अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जनपद पंचायत बनखेड़ी के अंतर्गत आने वाली समस्त 53 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला होशंगाबाद और अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया के नाम आज ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायकों ने जनपद कार्यालय पहुंचकर सामूहिक रूप से त्याग पत्र देकर काम बंद कर दिया। रोजगार सहायकों ने अपना सामूहिक रूप से त्याग पत्र जनपद कार्यालय बनखेड़ी में कार्यरत कर्मचारी को सौंपा, जिसमें 8 बिंदुओं पर अपनी समस्याओं को उल्लेखित करते हुए लिखा गया। ज्ञापन में लिखा गया कि ग्राम रोजगार सहायकों पर मनरेगा का अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, जबकि यह योजना मांग आधारित योजना है। इसमें रोजगार सहायकों को दोषी मानकर कार्यवाही की जाती है, जबकि इसमें कार्य एजेंसी को शामिल नहीं किया जाता। ग्राम पंचायतों को भी कार्यों में पूर्ण जवाबदारी रहती है। ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा सोशल ऑडिट में नियुक्त अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को भड़काने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कार्य करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैठकों में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा अन्य 6 बिंदुओं का उल्लेख भी पत्र में किया गया। जनपद कार्यालय में पत्र सौंपने के बाद रोजगार सहायकों ने सामूहिक रूप से तहसील कार्यालय बनखेड़ी में पहुंचकर बनखेड़ी तहसीलदार राजीव कहार को SDM के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सचिवों को BLO के प्रभार एवं अन्य योजनाओं के प्रभाव से मुक्त करने की बात कही गई। जी हेमंत पटेल, कहाँ पे काम करते हो? ग्राम पंचायत करपा। किस पद पर? ग्राम रोजगार सहायक। क्या मांगे आपकी? सर या वहाँ तो हमारे साथी के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उसके संबंध में FIR चाहते हैं, और कुछ विभागीय समस्याएं भी हैं जो कि कार्यालय द्वारा ठीक की जा सकती हैं मगर नहीं हो पा रही, और तहसील कार्यालय में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे साथियों के पास BLA को प्रभार है, उसको भी हटवाना चाहते हैं। जी नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया, अब BLO का काम किस हिसाब से करेंगे? अच्छा। तो वो भी सर को संज्ञान में लाना चाहते हैं कि उससे भी मुक्त किया जाए। कितने GRS अभी BLO के पद पर काम कर रहे हैं? कितने होंगे? 10-12 लोग हैं सर। सजय कुमार चौक से, ग्राम पंचायत कांती। अच्छा, किस संबंध में यहाँ पर आज ज्ञापन दे रहे हो? आज हम कल मैं ग्राम पंचायत कार्यालय में काम कर रहा था और मेरे साथ राजेश कुमार चौक पटवारी जी भी थे। उस समय बीच में असामाजिक तत्व बालमुकुंद मेहरा आकर गाली गलौज करने लगा एवं जान से मारने की धमकी दी। पटवारी जी मुख्यमंत्री कल्याण योजना के फार्म फेंक दिए उसने और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की उसने। वो मतलब वो उसके पिताजी को आवास का लाभ मिल चुका है, एक ही राशन कार्ड में उसका नाम जुड़ा है, और वो आवास के वो बोल रहा है आज ही मुझको आवास का लाभ घर जा कर दो मुझको, जबकि ग्राम रोजगार सहायक आवास स्वीकृत नहीं कर सकता, वो तो 2011 की सूची के अनुसार सबको आवास प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ज्ञापन क्यों दे रहे हो? हम लोग उसके मतलब उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने में 353 के तहत कार्रवाई करवाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए और सामुदायिक स्तर पर दिया, जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम अपने मतलब कार्य वापस नहीं आएंगे। अभी कितने दिनों से सब रोजगार सहायकों ने काम बंद कर दिया? सभी जनपद पंचायत के सभी रोजगार सहायक हाँ जी से। आज ही से। अच्छा, इस संबंध में आपके वरिष्ठ अधिकारियों के क्या कहना है? कल हमने जनपद कार्यालय में ज्ञापन दिया था लेकिन कुछ जवाब नहीं आया, अभी FIR दर्ज हुई अभी नहीं हुई। दोबारा बात करिए आपने, क्यों दर्ज नहीं हुई FIR? अभी उनसे बात नहीं हो पाई संबंधित अधिकारियों से। कब तक के लिए रोज काम बंद किया है? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगों अन्य भी और दूसरी मांग भी है हमारी, जब तक हमारे मांगों के हमारे 8 बिंदु में मांग है। अच्छा, जैसे संबंधित ज्ञापन में मतलब पूरी जानकारी लिखी है। यहाँ BLO का पद
देश के गांव में ग्राम पंचायतें पहले ही विकास कार्यों में पिछड़ी हुई हैं। शासकीय कार्य तय समय में पूरे नहीं हो पाते। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार भी समय समय पर उजागर होते रहते हैं। वहीं ऐसे समय में ग्राम रोजगार सहायकों के त्यागपत्र देने के बाद निश्चित तौर पर ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्य में बाधा पैदा होगी। लोगों के काम बंद होंगे, साथ ही जो योजनाएं तय समय में पूरी होनी थी उनमें भी अब अवरोध पैदा होगा। विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव एवं किसी भी विभाग में कर्मचारियों की असंतुष्टि बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है शासकीय विभाग में सामूहिक रूप से निचले स्तर के कर्मचारियों का त्यागपत्र देना एवं त्यागपत्र देने के साथ ही काम बंद करने का नुकसान अब देश के गाँव में निवास करने वाले भोले भाले ग्रामवासियों को उठाना पड़ेगा। अतः वरिष्ठ अधिकारी रोजगार सहायकों की समस्याओं को शीघ्र ही संज्ञान में लेकर उचित हल निकालें, जिससे कि ग्रामों में विकास कार्य गति पकड़े। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।